तो आज हम भैया और बहनों अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य काल में कुछ समय तक जारी रहे हो और इनके साथ समय का संदर्भ हो और वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। ये वाक्य की पहचान है। समय के लिए आपको सिंस और आल का प्रयोग करना है। रचना जैसे साधारण वाक्य की होती है, हेल्पिंग वर्ब में इसमें आपको विल है, बीन, सेल है, बीन का प्रयोग करना है और मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। और आईएनजी लगाने का नियम आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सीता 2 घंटे से सो रही होगी। सीता विल है बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 बजे से टीवी देख रहा होगा। मोहन विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो 2 बजे के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। हम सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे आधे घंटे से झगड़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन क्वेरलिंग फॉर हाफ एन आवर। ये सारे सकारात्मक वाक्य हैं तो इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपके मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको सिंस फॉर आल में से जो उचित है उसका प्रयोग करना है। नेगेटिव वाक्य में आपको सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करना है। आगे की रचना आपकी सेम रहेगी। जैसे राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। माता जी शाम से खाना नहीं बना रही होगी। मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये आपके नकारात्मक वाक्य हैं और नकारात्मक वाक्य में आपको विल के बाद ही नोट का प्रयोग करना है या सेल के बाद नोट का प्रयोग करना है। ये आपकी हैव बीन नोट के बाद में रहेगा। और प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी रचना आपको 2 प्रकार से करनी है। जिसमें शुरू में क्या आता है उसमें तो आपको विल या सेल को सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और जिसमें वह वर्ड है तो सबसे पहले वह वर्ड को लगाइए, विल या सेल में से जो उचित है वो लगाकर आगे की रचना सेम होती है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या पूरे दिन वर्षा हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग ऑल डे। क्या वे सुबह से झगड़ रहे होंगे। विल दे हैव बीन क्वेरलिंग सिंस मॉर्निंग। राम सोमवार से पतंग क्यों उड़ा रहा होगा। व्हाई विल राम हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मंडे। मोहन सुबह से कहाँ खेल रहा होगा। मोहन विल वेयर विल मोहन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य की रचना है। आपको सारे टेंस आज पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इसके सारे जो इसके भाग हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार आपके 12 टेंस पूरे हो चुके हैं। आपको गृह कार्य ये है इनके सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के 4-4 वाक्य बनाने हैं और कल जो है मैं आपको सारे मिक्स करके सारे टेंस के वाक्य दूंगा, वो आपको ट्रांसलेट करना है। इनकी तैयारी कर लेना अच्छी तरीके से।